विलियम बोइंग ने 1916 में द बोइंग कंपनी की स्थापना की थी। बोइंग ने एविएशन में 54 वर्षों तक मोनोपोली को एंजॉय किया और फिर 1970 में जन्म हुआ इसके मेजर कंपटीटर एयरबस का। 1958 में बोइंग ने अपना पहला कमर्शियल जेटलाइनर 707 लॉन्च किया। 1970 में 747 के लॉन्च ने कमर्शियल एविएशन में बोइंग की पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। हालांकि एयरबस ने A300B के लॉन्च के साथ मामूली शुरुआत की थी। 1990 के दशक से एयरबस ने A330 और A340 जैसे कई कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना शुरू किया। एयरबस ने तेजी से स्केल अप करके बोइंग के कमर्शियल एयरक्राफ्ट मार्केट का काफी मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। एयरबस 54% मार्केट शेयर के साथ सिविलियन हेलीकॉप्टर सेगमेंट में भी डोमिनेंट है, जबकि बोइंग के पास इस सेक्टर में कोई ऑफरिंग नहीं है। हालांकि बोइंग मिलिट्री अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। 2014 के बाद से एयरबस ने 0.97% का CAGR दर्ज किया है, वहीं बोइंग का रेवेन्यू लगभग 2.74% पर बढ़ा है। स्क्रीन पर आप दो कंपनीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देख सकते हैं।